मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ईद उल फितर के अवसर पर प्रदेशवासियों को दी हार्दिक शुभकामनाएं। लॉकडाउन तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते हुए घर पर ही नमाज पढ़ने और ईद मनाने की अपील। कहा, अमन चैन और सौहार्द का संदेश देता है ईद का पर्व। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, दवा उद्योग की संभावनाओं के मद्देनजर हफ्ते भर में बनाए नई पॉलिसी, करे संस्थान उनकी क्षमता का अधिकतम उपयोग। एमएसएमई विभाग के प्रमुख सचिव नवनीत सहगल ने कहा, मददगार है साथी ऐप। गोरखपुर न्यूज के लिए गिरीश पांडे की विशेष रिपोर्ट। जगह थाना क्षेत्र में डबल मर्डर से मची सनसनी। 9mm की पिस्टल से दो युवकों को गोली मारकर की गई हत्या। डीआईजी राजेश डी मोदक ने कहा, मौके पर मिले साक्ष्यों के आधार पर जल्द किया जाएगा घटना का खुलासा। आरोग्य सेतु ऐप पर कोरोना संक्रमित के संपर्क में आने का संदेश मिलने पर एसडीएम सदर तहसीलदार सहित 5 लोग किए गए होम क्वारंटाइन। सोमवार को रिपोर्ट आने के बाद होगी स्थिति स्पष्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीता सिंधी समाज का दिल। गोरखपुर स्थित झूलेलाल मंदिर के लिए दिया जमीन देने का भरोसा। जंगल कौड़िया मोहद्दीपुर फोरलेन की जद में आने से टूटेगा झूलेलाल मंदिर। 3 पीढ़ियों से है पीठ और सिंधी समाज का नाता। गोरखपुर न्यूज के लिए गिरीश पांडे की रिपोर्ट। रविवार को गोरखपुर जिले में कोरोना संक्रमण के 7 नए मामले आए सामने। जिले में 39 केस, 3 की हुई मौत, 5 ठीक होकर हुए डिस्चार्ज। अब कुल 31 एक्टिव मरीज। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने कहा, सभी संबंधित क्षेत्रों को हॉटस्पॉट घोषित करते हुए तत्काल एहतियाती कदम उठाने के दिए गए निर्देश। रविवार को मोहद्दीपुर के रफी अहमद किदवाई इंटर कॉलेज के पास कोरोना संक्रमण के मामला आया सामने। सदर तहसील में बने 12 कंटेनमेंट जोन। एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा, सभी संबंधित क्षेत्र को हॉटस्पॉट घोषित करते हुए तत्काल एहतियाती कदम उठाने के दिए गए निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहल पर रविवार को 16,000 श्रमिकों को लेकर गोरखपुर स्टेशन पहुंची 14 श्रमिक स्पेशल ट्रेन। परिवहन निगम के बसों से श्रमिकों को उनके जिले को किया गया रवाना। श्रमिकों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया धन्यवाद। गोरखपुर के विकास के लिए गोरक्षनाथ मंदिर की दुकानों पर रविवार को भी चला बुलडोजर। कार्यदायी संस्था ने बताया, जुलाई तक पूरा हो जाएगा 4 लेन का काम। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर महापौर सीताराम जायसवाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई भाजपा पार्षदों की बैठक। और चिल्वाताल थाना क्षेत्र के FCI रोड पर अनियंत्रित होकर पलटी कार। कार सवार सभी लोग हुए घायल। स्थानीय लोगों एवं पुलिस की मदद से पहुंचाया गया अस्पताल। सभी सुरक्षित।